हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वैशाली। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा विच आई यूज जब मैं स्पेशली बाहर जाती हूँ। घर में मैं मस्कारा यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब भी मैं बाहर जाती हूँ, पार्टीज में जाती हूँ या किसी गैदरिंग में जाती हूँ, तो मैं हमेशा मस्कारा को मतलब इस्तेमाल करती हूँ। एक तो से आपकी आईज जो होती है वो थोड़ी सी बिग बिग सी हो जाती है। मेरी आईज थोड़ी सी छोटी है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज़ दिस। सो आज मैं जो आपको ये मस्कारा जो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, एक्चुअली मैं आपको एक डेमो देके दिखाऊंगी। मैं तो उसको यूज़ करती आ रही हूँ और मुझे ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा है। सो मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा मस्कारा है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। नॉर्मली जो हमारे मस्कारा होते हैं वो थोड़े मतलब लाइक हमने वन कोट लिया, टू कोट लिया एंड दैट्स इट। ये थोड़ा हटके है। इसमें किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, इसका यूजेज कितना लगता है एक बारी में और किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, सबसे बड़ी बात यह है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंट है आपको मैं आज उसी बारे में बताऊंगी कि इस मस्कारे में ऐसा क्या खास है जो आज मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। सो जो ये मस्कारा है ये है वेट एंड वाइल्ड का। दिस ये एक नहीं, ये दो दो हैं। एक्चुअली इसके बाहर का पूरा कवर था, प्रॉपर था, वो मेरे पास अभी है नहीं, वो मैंने कहीं फेंक दिया है क्योंकि वो थोड़ी सी जगह लेता था। तो मेरे जो ये मेकअप बॉक्स में मैं हमेशा इन दोनों को साथ में ऐसे रखती हूँ। सो ये दोनों मस्करा हमने यूज़ करने हैं। अब दोनों मस्करा हमने कैसे यूज़ करने हैं मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। एक्चुअली इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 एंड 3 एंड दिस इज़ नंबर 2। तो हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ये हमारा मस्करा है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दिस इज लाइक दिस, आप देख सकते हैं जी। प्रॉपर जो हमारा मस्कारा जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ब्लैक कलर का, ये वही है। बट द मेन पार्ट इज दिस। ये क्या है, ये है हमारे छोटे छोटे से फाइबर्स। ये जो हमारे लैश फाइबर्स हैं ये हमारी जो आईज की जो लैशेस होंगी उसको एक्सटेंड करेगी। जी हाँ, ये हमारी आईज की जो लैशेस होंगी उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर लेगी। इसका मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। ये जो मस्करा है ये हमने वन कोट हमने इसका लगाना है। इसमें लिखा हुआ है 1 एंड 3 एंड दिस इज़ नंबर 2। तो सबसे पहले हमने इसका एक कोट लगाना है। हम जब इसका एक कोट लगा देंगे, थोड़ा सा उसको सूखने देंगे एंड देन उसके बाद हमने इसकी जो फाइबर्स है उसको हमने अपनी पलकों के ऊपर लगाना है ताकि वो थोड़ी सी थिकनेस उसको दे दे और थोड़ा सा हमारे उसमें जो फाइबर्स जो चिपकेंगे। एक्चुअली जो फाइबर्स हैं ये बिल्कुल ऐसे जैसे कॉटन होता ना, छोटे छोटे से कॉटन, ऐसे लगेगा कि आपने जैसे अपनी आईज के ऊपर कॉटन रख दिए, तो ये वैसा कुछ होगा। एंड देन जब वो हम अपनी जो ये फाइबर्स को जब हम अपने आईज के ऊपर लगा लेंगे उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल करना है। अगी जो हमने फर्स्ट कोट लगाया था वही हमने थर्ड कोट में दोबारा से रिपीट करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। चलिए स्टार्ट। सो गाइज, मैं इसको आपको सिर्फ अपनी एक आई में करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग डिफरेंस को फील कर सकें, आपको पता चले कि एक्चुअली इसमें डिफरेंस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ अपना ये फर्स्ट कोट। तो मेरा फर्स्ट कोट जो है वो लगभग लग चुका है और देख सकते हैं आप। और अब मैं लगाऊंगी अपना सेकंड कोट जो था ये फाइबर की एक्सटेंशंस, फाइबर लैशेस एक्चुअली। सो ये मैंने ले लिया है और ये मैं कुछ इसके ऊपर ऐसे लगा लूंगी। थोड़े से एयर में भी ऐसे उड़ने लग गए हैं। आपको ये काफी अच्छे से लगाना पड़ेगा जो ये आपका सेकंड स्टेप है, क्योंकि यही आपकी जो लैशेज होंगी उसको थोड़ी सी लेंथ देगा। एंड ये सेकंड स्टेप हमारा हो चुका है और अब हमने अपना करना है थर्ड स्टेप कंप्लीट।
वाओ, देख सकते हैं आप डिफरेंस। सो डिफरेंस देख सकते हैं आप इस आई में और इस आई में। देखिए साइड से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखिए विंडो के साइड में कितनी घनी घनी से मेरी आईब्रोज लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने नकली के फॉल्सेस लगाए होंगे, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया है। देखिए मैं सेकेंड आई का कंप्लीट करके आती हूँ। सो मैंने अपनी दोनों आईज में मस्कारा लगा दिया है, आप देख सकते हैं आपको डिफरेंस लग रहा होगा। और मतलब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा लैशेस को इसने मेरे इंक्रीज कर दिया है इसके वॉल्यूम को। सो ये तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा है जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।